content is the most overrated word in this country, and content. There is no such content. Everybody is selling their families. Yeah, total पूरी दुनिया में. नहीं नहीं मैं वैसे इनकी बात कर रहा हूँ. देखिए बाकी तो कहानियाँ चले सेम ही है. कंटेंट क्या है? घर फैमिली बेच रहे हैं सारे बैठे हुए. मतलब क्या है? सुबह दोपहर शाम आज किचन में फेरनी बना ली, आज अम्मी के पांव पड़ गए हैं, आज कब्रिस्तान तक को नहीं छोड़ते लोग. मैं तो ये देखता हूँ, अल्लाह जन्नत नसीब करे सबकी जिनकी माए नहीं है यहाँ पे. आप गए हैं कब्र पे, कब्र दी याद, माँ की बड़ी याद आई, आप भी दुआ कर दी. मतलब ये क्या है? ये कौन सा कॉन्टेंट है? So I don't want to be known for that at least, you know. मुझे ऐसा हो रहा है, अच्छी कहानी सुना सकता हूँ, बुरी कहानी सुना सकता हूँ. अपने घर को नहीं बेच सकता, अपने आप को नहीं बेच सकता. एंड आई मेट लॉट ऑफ पीपल जिनके बहुत सारी फॉलोइंग होती है, उनको ये मैथ्स ही नहीं समझ आता कि अगर आप फिल्म की शूट पे भी जाते हैं, आप ड्रामे की शूट पे भी जाते हैं, अभी आप एक शो करने बैठे, इट टेक्स टाइम, देयर इज अ प्रोसेस. यस, उनको ये 2 घंटे 3 घंटे 8 घंटे 10 घंटे ये समझ ही नहीं आता. क्योंकि कैसे समझ आएगा? फोन उठाया बना लिया. आप तो 10 सेकंड का माहौल है ना आपका. सो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू अंडरस्टैंड. और हमारे लिए वो प्रोसेस हमारे लिए शायद आसान हो जाएगा वो, क्योंकि हमने तो ये वाला तो बहुत किया है ना. हमने तो ये 2020 हो गया हमारे लिए. फ्रॉम टेस्ट टू 2020, फ्रॉम 2020 टू टेस्ट इज वेरी डिफिकल्ट. मुझे ऐसा लगता है. अभी आपको क्या लगता है कि क्लेम टू सक्सेस, मतलब आपको लोग बहुत सारे अप्रोच करते हैं, सर मुझे ले लें आप? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता. ऐसा कुछ नहीं होता. व्हाट इज योर प्रोसेस? माय प्रोसेस इज, देखिए जिसको एक्टिंग का शौक है, जिसको नैरेटिव का कहानी सुनाने का शौक है, जिसको अपना आप प्ले करने का शौक है. वी बिकेम एक्टर्स इन द फर्स्ट प्लेस. व्हाई? बिकॉज वी वांटेड टू बी समवन एल्स एंड नॉट आवरसेल्व्स. उसके लिए होस्टिंग इज फाइन. यू आर बीइंग शोएब अख्तर राइट नाउ, दैट्स ओके. But when you're acting, when you're doing a serial or a film, you won't be playing Shoaib Akhtar. No. तो वो जो line है ना, वो किसी को समझ ही नहीं आ रही है. I've seen actors saying on sets के ये तो मैं नहीं बोल सकता. भाई it's not you, इसीलिए तो नहीं बोल सकता. अगर तुम होते तो एक अलग बात थी, but it's somebody else. तो अगर आपको वो बात समझ ही नहीं आ रही है तो वो खैर दुनिया तो मर्द औरत के उसमें फंस गई है. ठीक है, 100% ये जो प्रोसेस है ना, वो सारा बाईपास करके 10 सेकंड के बाद आप एक्टर नहीं बन सकते. नहीं बन सकते, क्योंकि आपका एक छोटा सा वीडियो वायरल हो गया, इसका मतलब ये नहीं है. थोड़ा सा सीरियस टॉक बहुत होगी. फादी बहुत डेप्थ वाला आदमी है और गुज्जी भी बातें करता है, और इतनी जिंदगी उजार ली है मीडिया में, 20-25 साल हो गए फादी को. लेकिन फादी की हम अकल का भी थोड़ा टेस्ट लेंगे, क्योंकि थोड़ा सा हम प्रोग्राम को चाहते हैं लाइटर मूड में कर लिया जाए. आपके लिए नकल में हम आपसे कुछ सवाल पूछेंगे. अकल यूज करते हुए हमें ये बताइए, फीफा वर्ल्ड कप 2018 का विनर कौन था? ऑप्शन अर्जेंटीना, इटली या फ्रांस? पादी फुटबॉल भी खेलता है. मुझे फुटबॉल का बिल्कुल फुटबॉल का समझ नहीं आता. 99 के 4 सेमीफाइनलिस्ट के नाम बताइए जो 99 के सेमीफाइनल में खेले थे. सेमीफाइनल में जी सर, आई थिंक ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान तो थे ही थे डेफिनेटली. वो तो फाइनल हो गया, सेमीफाइनल में भी तो होंगे ना. सेमीफाइनल किसके साथ था? मैं आपसे ये पूछ रहा, सेमीफाइनल में वो 4 टीमें कौन सी थी 99 के वर्ल्ड कप में? देखिए एक तो साउथ अफ्रीका थी. Yes, क्योंकि जो फेमस मैच वो क्लूजनर वाला जो मैच था, किसके साथ था? वो था ऑस्ट्रेलिया के साथ. ऑस्ट्रेलिया के साथ दो और टीमें बता दें. साथ था. इसके अलावा एक होगा पाकिस्तान होगा. एक था पाकिस्तान और चौथे फंस गए. पाकिस्तान किसके साथ खेला था ये मुझे याद नहीं. मेरे हिसाब से ये होना चाहिए. ये टीम हमेशा हमसे पकड़ी जाती है. पकड़ी जाती है. हाँ, हम जब भी जाते इंग्लैंड होगी. नहीं 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 नहीं. हाँ, ये थोड़ा बहुत दूर आयरलैंड में. रियली? हाँ, इनको हम जब दिल कर पकड़ लेते हैं. न्यूजीलैंड होगी. न्यूजीलैंड, यस 100%. पीर कामल नॉवल की राइटर कौन? उमेरा अहमद. उमेरा अहमद. पेट खेलते हैं आप? हाँ जी. सबसे बड़ा ऑर्गन बॉडी में कौन सा है? पित्ता, जिगर या फेफड़ा? क्रिकेट खेलते हैं और किधर चले गए? उसमें फेफड़ा चाहिए होता है. पित्ता, जिगर या फेफड़ा? देखिए क्रिकेटर को तो जिगर ही चाहिए होता है बेसिकली. ये बहुत तेज है भाई, जवाब बिल्कुल ठीक है. इनको जिगर इसलिए दिखाना पड़ता है कि फास्ट बॉलर से बाहर आता है, ठा करके शोएब अख्तर छक्का मार के पार. अभी तक जहन में रखा हुआ है भाईजान. इसमें से क्या चीजें पाकिस्तान में नहीं है? कोल्ड डेजर्ट जी, सॉल्ट माइन या एक्टिव वोल्केनो? आई थिंक ये तीनों चीजें हैं पाकिस्तान में.
एक्चुअली लावा वोल्केनो है मेरे पास, आई थिंक है मड वोल्केनो है, लेकिन हाँ नहीं कोई बात नहीं, कहीं होगा हमने ढूंढा नहीं होगा, कोई है हमने ढूंढा नहीं होगा। मुझे ये बताइए